गुड मॉर्निंग बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे संसद के गठन, संसद सदस्यों की योग्यताएं, उनकी शपथ, उनकी कौरम पूर्ति या कहें गणपूर्ति, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो हमने देखा संसद सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है कौन, राष्ट्रपति करता है या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा संसद सदस्य को शपथ दिलाई जाती है। बात आई कौरम पूर्ति वाली कि गणपूर्ति या कौरम पूर्ति क्या है, किसी भी अधिवेशन को क्या देना, वैधानिक रूप देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सहित कम से कम 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता है, तभी जा करके उस मीटिंग को वैधानिक रूप मिल सकता है, कानूनी रूप मिल सकता है। अर्थात हमने देखा कि लोकसभा में यदि इस तरीके की लोकसभा का कोई बैठक बुलाई जा रही है तो कम से कम लोकसभा सदस्यों का 545 का 1/10 सदस्यों को भाग लेना जरूरी है। और उसमें हमने देखा कि कम से कम 55 सदस्य जब तक नहीं होंगे लोकसभा की मीटिंग में तब तक उसे वैधानिक रूप नहीं दे सकते। राज्यसभा की बात करते हैं तो 245 का आ जाता है 25 सदस्य जब तक नहीं होंगे, जब तक कोई भी मीटिंग वैधानिक रूप नहीं ले सकती, मीटिंग ही नहीं हो सकती, बैठ के नहीं बुलाई जा सकती। तो ये हुआ कोरम पूर्ति। उसके बाद हमने संसद सदस्य की योग्यताएं देखी कि क्या योग्यताएं होती हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा। तो आज हम पढ़ेंगे कि मंत्री और मानवाधिकार के संसद में मंत्रियों एवं मानवाधिकार के संसद में अधिकार। आज क्या पढ़ेंगे, मंत्रियों एवं महा न्यायवादी मंत्री एवं महान्यायवादी मंत्री एवं महान्यायवादी के संसद मंत्रियों एवं महान्यायवादी के संसद में अधिकार, संसद में अधिकार, इसको पढ़ेंगे आज। संसद में अधिकार, तो देखिए क्या अधिकार होते हैं मंत्रियों के संसद में, क्या अधिकार होते हैं और मान्यवादी का क्या अधिकार होता है संसद में। इसको हम देखेंगे। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेखित है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत में महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होगा। महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार नहीं होगा तथा मंत्री मतदान केवल उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य होता है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 88 में यह वर्णित है कि मंत्री एवं महान्याय
वादी, संसद की संसद के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकते हैं। ठीक है भाई, संसद की किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकते हैं दोनों, ये अधिकार है उसको। 88 संविधान के अनुच्छेद 88 में ये वर्णित है कि महान्यायवादी एवं मंत्री संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। लेकिन क्या कह दिया गया आगे देखिए, ले सकते हैं लेकिन महान्यायवादी को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है भाई, क्या कह दिया, दोनों संसद के किसी भी सदन की मीटिंग में भाग तो ले सकते हैं लेकिन महान्यायवादी को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। किसको मतदान देने का अधिकार नहीं होता है? मतदान करने का महान्यायवादी को, भारत के महान्यायवादी को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, जबकि मंत्रियों को मतदान करने का अधिकार होता है लेकिन मंत्री भी उसी सदन में मतदान करेगा जिस सदन का वह सदस्य होता है। ठीक है भाई, क्या लिखा मैंने कि मंत्रियों को मतदान करने का अधिकार तो होता है लेकिन मंत्री उसी सदन में मतदान करेगा जिस सदन का वो सदस्य होता है। जैसे राज्यसभा का है तो राज्यसभा में मतदान करेगा और लोकसभा का है तो लोकसभा में वो मतदान करेगा, ये होता है। जबकि किसको बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है? महान्यायवादी को, लेकिन मतदान करने का अधिकार उसे नहीं होता है। यदि आपसे पूछे कि मंत्रियों एवं महान्यायवादी के संसद में क्या अधिकार हैं तो आप बताओगे संविधान के अनुच्छेद 88 में ये वर्णित है कि मंत्री और भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन क्या महान्यायवादी को संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, जबकि मंत्रियों को संसद में मतदान करने का अधिकार होता है।
लेकिन मंत्री उसी सदन में अपना मतदान करेगा जिस सदन का वो सदस्य होता है। तो ये क्लियर हुआ, आप अच्छे से इसे देख लीजिए, जिसमें हमने पढ़ा मंत्रियों एवं मान्यवादी के संसद में अधिकार, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हुए, तो ये हुआ संसद, संसद सदस्यों की योग्यताएं, इन सबको हमने देखा कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है ना। तो दोबारा से एक बार फिर, क्योंकि ये संसद वाला टॉपिक अब हमारा आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा पढ़ेंगे, संसद के दोनों सदनों के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए आपको एक बार फिर मैं पुनः दोहरान कर देता हूं, हमारे संविधान में लिखा है कि भारत संघ की एक संसद होगी जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत होगा। क्या कह दिया, संविधान में क्या लिखा है, भारत संघ की एक संसद होगी जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत होगा, और संसद में राष्ट्रपति और संसद के दो सदनों से मिलकर के संसद का गठन होगा, अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा यानी तीनों के संयुक्त नाम को क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। ठीक है भाई, यदि आपसे कोई पूछे संसद किसे कहते हैं तो आप बताओगे कि संसद लोक राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त नाम को संसद कहते हैं। ठीक है, अब आपने ये भी देखा होगा कि भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है, जबकि अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है, जापान की व्यवस्थापिका को डायट कहा जाता है, और अफगानिस्तान की व्यवस्थापिका को सूरा कहा जाता है, जर्मनी की व्यवस्थापिका को बुंडेस्टांग कहा जाता है, और इराक की व्यवस्थापिका को मजलिस कहा जाता है, अर्थात अलग अलग प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका का अलग अलग नाम होता है, प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में देखा था ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहा जाता है, जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद आती है संसद सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो उसमें भी हमने देखा कि संसद सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, वह दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए, उसकी आयु राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष का न्यूनतम आयु का होना जरूरी है, है ना, वो किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, इस तरीके की योग्यताएं हमने पढ़ी थी। उससे पहले हमने संसद की पृष्ठभूमि देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि संसद, कई विद्वान ये मानते हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक और संसदात्मक जो व्यवस्था है, संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले भी हमारे देश में देखने को मिलती थी, विद्वान थी, इसका प्रमाण भी उन्होंने दिया है, और उसमें कहा गया है कि ऋग्वेद काल में सभा और समितियां हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी भाई, ऋग्वेद काल में सभा और समितियां हुआ करती थी, और ये सभा और समिति जैसे कि आज की लोकसभा के सदृश थी समिति, और राज्यसभा के सदृश थी सभा। इसके अलावा हमें और भी प्रमाण मिलते हैं, जिसमें हमने देखा पाणिनि की अष्टाध्यायी और कुटिल का अर्थशास्त्र, ये सारे इनके द्वारा हमने इस चीज को जाना कि हमारे यहाँ पहले भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। आज जिस तरीके से बहुमत के साथ निर्णय लिया जाता है, उसी तरीके से उस जमाने में भी बहुमत के साथ निर्णय लिया जाता था। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद हमने देखा कि 1833 का चार्टर अधिनियम से लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम के बीच में हमने अनुत्तरदायी संसदात्मक शासन व्यवस्था को हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि 1892 का भारत शासन अधिनियम के तहत राज्य परिषद के सदस्यों की, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 कर दी गई, जिनमें से 16 में से 4 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे,
तो देखिए 1892 का जो बाल शासन अधिनियम है उसकी एक विशेषता आती है, वो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली का शुरू हो जाना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से भारत शासन अधिनियम से मानी जाती है, 1892 वाला भारत शासन अधिनियम से मानी जाती है। उसके बाद हमने भारत शासन अधिनियम 1909 देखा, जो 16 से बढ़ा करके विधान परिषद सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, जिनमें से बहुत सारे सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित चुना जाता था। और इस तरीके से भारत शासन अधिनियम के तहत हमने देखा रोलक, उसके बाद हमने देखा कि 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत हमारे यहाँ केंद्र में दुसदनात्मक शासन व्यवस्था को अपना लिया गया था, 35 में एक सदन कर दिया गया था। इस तरीके से हमारे यहाँ अनुत्तरदायी संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पृष्ठभूमि रही है, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे यहाँ पहले से भी क्या था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, लोकतंत्र को अपनाया गया था और संसदात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया था। अब देखिए, आज हमने देखा क्या देखा कि भाई मंत्रियों एवं मान्यवादी के संसद में अधिकार क्या होते हैं, तो उसमें भी हमने देखा कि संविधान के अनुच्छेद 88 में ये वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद क्या, संविधान के अनुच्छेद 88 में वर्णित है कि मंत्री एवं भारत का मान्यवादी संसद के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन शर्त क्या और क्या लिखा, शर्त में लिखा उन्होंने कि महान्यायवादी को संसद में मतदान करने का यानी मत देने का अधिकार नहीं होगा, जबकि मंत्री को मत देने का अधिकार तो होगा, मंत्री को क्या होगा, मत देने का अधिकार तो होगा, लेकिन वह उसी सदन में मत डालेगा जिस सदन का वो सदस्य होता है। ठीक है भाई, तो ये आई होप मुझे आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखिए ये संसद की को आप देख लें अच्छे से, आप 2-3 बार इस वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि सरल से सरल भाषा में आप तक ये वीडियो पहुंचे, आपको अच्छे से समझ आ सके। कल हम चर्चा करेंगे राज्यसभा पर, किस पर, राज्य सभा। तो देखिए मैं बता रहा था संसद का गठन, संसद का गठन किन से किन किन से होता है, राष्ट्रपति लोकसभा, चलो पहले राज्यसभा लिख देता हूं मैं, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर के क्या बनती है, संसद बनती है। क्या बनती है भाई, तीनों से मिलकर के संसद बनती है, तीनों से मिलकर के संसद बनती है। और मैंने ये भी कहा था कि यदि आपसे पूछे कोई कि संसद किसे कहते हैं, तो आप बताओगे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त नाम को संसद कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कारण राष्ट्रपति जहाँ व्यवस्थापिका के व्यवस्थापिका का भी अंग होता है, वहीं कार्यपालिका का भी संवैधानिक प्रमुख होता है। अर्थात राष्ट्रपति जो होता है, क्योंकि सारे निर्णय उसी के नाम से किए जाते हैं, जितने भी समझौते होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति किस किस का, व्यवस्थापिका का भी अंग होता है तो कार्यपालिका का भी अंग होता है। तो देखिए तीनों से मिलकर के क्या बनती है भाई, संसद बनती है। तो ये भी हम देखेंगे आने वाली वीडियो में कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, संविधान के सभी
धान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है, ठीक है, 80 के तहत होता है। तो इस तरीके से आने वाली वीडियो में हम संसद का जो उच्च सदन है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, विद्वानों वाला भी सदन कहते हैं, विशिष्ट लोगों का सदन भी कहते हैं राज्यसभा को, और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भी राज्यसभा को कहा जाता है, इन नामों से राज्यसभा को जाना जाता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।